हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्नोशर्म चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया पे एक महासंकट लाके खड़ा कर दिया है। हम सभी के सर पर एक तरह से मौत की तलवार लटक रही है। तो इससे बचने का सीधा साधा उपाय यही है, सिर्फ एक यही उपाय है, घर के अंदर रहिए। कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है, कोई भी इसका इलाज अभी तक नहीं ढूंढा जा सका है। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 घर से बाहर किसी भी हालत में मत निकलिए। अब होता क्या है, अगर हम सभी लोग घरों के अंदर रहेंगे तो उसमें दिक्कत ये आती है कि ज्यादातर जो कामकाजी इंसान होता है, जिसका डेली का रूटीन होता है बाहर जाना, काम करना और वापस घर पर आना, और उसे अगर घर के अंदर आप बंद कर दो तो ज्यादातर लोग बोर होने लगते हैं, किसी भी काम में मन नहीं लगता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी घर के अंदर रहते हुए बोर हो रहे हैं तो आपकी बोरियत कम करने का एक उपाय मैं आपको बताता हूं। आपके बहुत से ऐसे रिश्तेदार होंगे, आपके ऐसे बहुत से फ्रेंड होंगे जिनसे आपने सालों से बात नहीं की है, क्योंकि काम में बिजी होने के कारण बातचीत नहीं हो पाती है। तो ये सबसे बढ़िया मौका है। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो साथ काम करने वाले हैं, सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर बंद हैं, तो ऐसे में मजा ही आ जाएगा अगर सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के थ्रू कनेक्ट किया जाए। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं तो व्हाट्सएप में हमें केवल 4 विंडो मिलती है, यानी 4 लोगों के साथ आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे ऐप के बारे में जिसमें आप 100% तक कनेक्ट कर सकते हो, कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जूम ऐप के बारे में। जूम ऐप के बारे में आपने जरूर सुना होगा, बहुत ही यूजफुल ऐप है। इसके थ्रू आप मैक्सिमम 100% को कनेक्ट कर सकते हो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वो भी बिल्कुल फ्री। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जूम ऐप को हम मोबाइल के थ्रू कैसे यूज कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अपने पीसी पर आप कैसे इसे यूज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अपने मोबाइल फोन पर। तो हमने ले लिया अपना मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन पर सबसे पहले हमें जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर हम ओपन कर लेते हैं और यहां पर हम सर्च करेंगे जूम। जैसे ही हम जूम पर क्लिक करेंगे तो यहां पर यह ऐप ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो जूम क्लाउड मीटिंग्स 4.0 इसे रेटिंग मिली हुई है, और इसके जो डाउनलोड हो चुके हैं 50 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड हो रखे हैं। बहुत ही यूजफुल और बहुत ही बढ़िया ऐप है ये। इसको कर लेते हैं इंस्टॉल। आपको अपने फ़ोन पर इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए, बहुत जल्दी ही ये इंस्टॉल हो जाएगा। केवल 28.12 MB की फाइल है, जो कि ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगी आपके मोबाइल फ़ोन का। तो ये हो चुका है, आप देख सकते हो जूम क्लाउड मीटिंग्स हमारे फ़ोन पर इंस्टॉल हो चुका है। इसे हम ओपन करेंगे, यहाँ पर आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी देना है, आपका फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद लास्ट नेम देना है। ठीक है, मैं यहाँ अपना नाम और ईमेल आईडी दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना ईमेल आईडी दे दिया। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी देना है, यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, और उसके बाद सेकेंड नेम देना है। यहाँ पर आ रहा है आई एग्री टू द टर्म्स एंड सर्विस, तो इसको हम क्लिक कर देंगे, एग्री कर लेंगे इसे, और उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ आ रहा है वी सेंट एन ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट। जो ईमेल आईडी आप दोगे वहाँ पर एक वेरीफाई करने के लिए लिंक आ जाएगा। आपको अपने जीमेल आईडी पर जाना है, ओपन करना है और वहाँ पर इसे वेरीफाई कर देना है। तो इसके बाद आपके पास जो लिंक आएगा ईमेल पर, आपको ईमेल पर जाना है, वहाँ पर उस लिंक पर क्लिक करके आपको इसे वेरीफाई करना है और एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। ये सब करने के बाद वापस आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर आना है, और मोबाइल फ़ोन पर फिर से जूम ऐप को ओपन करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो साइन इन का बटन है, साइन इन पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो ईमेल एड्रेस आपने साइन अप के टाइम पर दिया था वो ईमेल एड्रेस आपको यहाँ डालना है, और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करोगे, अगर आप फिंगरप्रिंट आईडी देना चाहते हो, अगर आपके मोबाइल फ़ोन पर फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ, और उसके बाद इस तरह से विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हो न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल, शेयर, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और नीचे आपको मिल रहा है मीट एंड चैट और मीटिंग्स, कॉन्टैक्ट, सेटिंग्स, सारा कुछ यहाँ दे रखा है। सेटिंग पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। आपके जो कॉन्टैक्ट, आपके जीमेल आईडी पर जो कॉन्टैक्ट्स हैं
उन्हें अगर आप सिंक्रोनाइज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आप अपने फ़ोन के जो कॉन्टैक्ट हैं उन्हें भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, सिंक्रोनाइज कर सकते हो। यहाँ पर आपको मीटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप मीटिंग को सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ दे रखा है ऑलवेज म्यूट माई माइक्रोफोन, अगर आप अपने माइक्रोफोन को म्यूट करना चाहते हो तो यहाँ ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर अपने वीडियो को ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और वीडियो प्रीव्यू, ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हो, चाहे ईमेल आईडी हो या फिर मोबाइल नंबर हो, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो कॉन्टैक्ट को। आपके फ़ोन के अंदर जो कॉन्टैक्ट हैं उन्हें भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ ऑप्शन मिल रहा है न्यू मीटिंग, तो न्यू मीटिंग पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वीडियो ऑन। अगर आप वीडियो ऑन करना चाहते हो तो वीडियो ऑन कर दीजिए, और यहाँ पर आ रहा है यूज पर्सनल मीटिंग आईडी। अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा तो ये आ जाएगा 8166258261, ये हो गई पर्सनल मीटिंग आईडी, ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट अ मीटिंग पर आप क्लिक कर दीजिए, तो आप देख सकते हो हमारे मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन हो गया है। अगर आप इस कैमरे को यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर आप चाहें सेल्फी कैमरा पर स्विच करना चाहें तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, इसे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका सेल्फी कैमरा ऑन हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो म्यूट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप माइक को म्यूट कर सकते हो, अपनी आवाज़ को बंद कर सकते हो आप, और यहाँ से आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं। और यहाँ आ रहा है पार्टिसिपेंट, अगर आप पार्टिसिपेंट पर क्लिक करेंगे तो पार्टिसिपेंट आपको दिखने लगेंगे, और ये है आपका शेयर का ऑप्शन, यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर शेयर के बटन पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हो फोटो, डॉक्यूमेंट, बॉक्स, ड्रॉप, कुछ भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पीपीटी है, पीपीटी शेयर कर सकते हैं आप अपने स्टूडेंट को। अगर आपको कोई क्लास वगैरह देनी हो, ई क्लासेस देनी हो, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। आप व्हाइट बोर्ड भी शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, कोई भी काम आप यहां से कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ऐप है ये। अब हमें अगर इनवाइट करने हो, पार्टिसिपेंट अगर हमें ऐड करने हो, यहां पर मैं क्लिक करता हूं, यहां से आप मीटिंग सेटिंग कर सकते हो। मीटिंग सेटिंग ये है, यहां पर आप टॉपिक दे सकते हो, लॉक मीटिंग, लॉक शेयर, ये सारी कुछ डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर जो हमारी पर्सनल आईडी आप देख रहे हो, तो इसके थ्रू ये आईडी अगर कोई भी डालेगा, जैसे ये आईडी है, इस आईडी को कोई भी डालेगा तो वो कनेक्ट हो जाएगा हमारी इस वीडियो कॉल में। कैसे होगा मैं बता देता हूँ, इसको फिलहाल मैं एंड कर देता हूँ। अब मान लीजिए किसी ने अपनी पर्सनल मीटिंग आईडी आपको दे रखी है और आप उसकी मीटिंग पर ज्वाइन होना चाहते हो, तो आपको सिंपल क्या करना है, ज्वाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे तो जो मीटिंग आईडी आपके पास थी वो मीटिंग आईडी आप यहाँ पर डाल दीजिए सबसे ऊपर। और उसके बाद जैसे मेरा नाम यहाँ सुमित शर्मा आ रहा है, आप अपना नाम यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी नाम आप यहाँ डाल सकते हैं, और उसके बाद सिंपल आपको ज्वाइन मीटिंग पर क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हो आपकी ऑडियो कनेक्ट ना हो तो आप यहाँ से पॉज कर सकते हो, टर्न ऑफ माई वीडियो, अगर आप चाहते हो कि आपका वीडियो शो ना हो तो उसे भी आप यहाँ से बंद कर सकते हो। अब मान लीजिए कोई मीटिंग आपको करनी है, आपको कोई मीटिंग शेड्यूल करनी है, मान लीजिए जैसे आपको आज रात 9 बजे कोई मीटिंग करनी है, आप चाहते हो 9 बजे आपके सारे लोग, आपके सारे फ्रेंड्स, आपके सारे स्टूडेंट या जिससे भी आप मीटिंग करना चाहते हो वो रात को ठीक 9 बजे आपके साथ जुड़ जाएं, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर शेड्यूल पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप शेड्यूल पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ आपको मीटिंग का नाम देना है, जैसे मैंने यहाँ अपने आप आ रहा है सुमित शर्मा जूम मीटिंग, तो आप यहाँ मीटिंग का टॉपिक लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप डेट सेट कर सकते हो, जो भी डेट आपको देनी है, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ टाइम दे रखा है कि आपकी मीटिंग किस समय शुरू होगी और किस समय ख़त्म होगी वो दे रखा है, टाइम जोन वगैरह सब यहाँ दे रखा है, किस टाइम आपको शुरू करनी है वो टाइम आप यहाँ पर दे सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ सेट कर सकते हो। और ये आ रहा है होस्ट वीडियो ऑन, यानी आप इस मीटिंग के होस्ट हैं तो आप चाहते हैं कि आपका वीडियो ऑन रहे या आपका वीडियो ऑफ रहे, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पार्टिसिपेंट हैं उनके वीडियो ऑन रहें या ऑफ रहें वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो ऑप्शन है, टेलीफोन ऑडियो या फिर टेलीफोन एंड डिवाइस ऑडियो बोथ, तो यहाँ हमने दोनों सिलेक्ट कर रखी हैं, ठीक है। इसे मैं बैक करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर आपको एडवांस ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे है इनेबल वेटिंग रूम, यहाँ पर वेटिंग रूम आप क्रिएट कर सकते हो,
अलाउ ज्वाइन बिफोर होस्ट, आप यहां सेलेक्ट कर सकते हो कि कोई इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है। अगर आप ज्वाइन ना भी कर पाए हो, मान लीजिए आप होस्ट हैं, आपने मीटिंग क्रिएट कर दी और आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है, और जो पार्टिसिपेंट हैं वो आपसे पहले ज्वाइन कर लें, अगर ऐसा आप चाहते हो तो यहां से आपको सेलेक्ट कर सकते हो, यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। ऐसे यहाँ ऑप्शन आया ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग, यानी जो आपकी पूरी मीटिंग है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होती रहेगी अगर आप यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेंगे तो, ये ऑप्शन हमें मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ है ऐड टू कैलेंडर, या आप कैलेंडर पर इसे ऐड कर सकते हो। इसके बाद आप इसे डन कर दीजिए, ये डन हो गया। अभी आ रहा अलाउ जूम टू एक्सेस योर कैलेंडर, अलाउ कर दीजिए, तो ये मीटिंग हमारी सेट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जिसको भी आपको ज्वाइन कराना है, आप चाहते हो इस मीटिंग में जो भी आए, तो उनके लिए आप ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कहीं पर भी ये आप मैसेज भेज सकते हो। इस मैसेज के अंदर सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ आ रहा है सुमित शर्मा इज इनवाइटिंग यू टू ए शेड्यूल्ड जूम मीटिंग, टॉपिक ये है, सारी डिटेल उसको मिल जाएगी। अब वो जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करके अपने जूम ऐप पर जाएगा, वहां पर उसको ये मीटिंग आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है, उसके बाद वो कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जूम ऐप को अपने मोबाइल से बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। और अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे हम अपने कंप्यूटर से जूम ऐप को यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर पर। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर पर, और यहाँ पर आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ सर्च करना है zoom.us। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से विंडो ओपन हो गई। आप यहाँ देख सकते हो जूम का ये वेबसाइट ओपन हो चुका है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ ज्वाइन अ मीटिंग। अगर आपको मीटिंग ज्वाइन करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि सारा कुछ मैंने मोबाइल पर बता रखा था, लगभग सब कुछ सेम है यहाँ पर। तो यहाँ हमें एक ऑप्शन मिल जाता है साइन अप इट्स फ्री, ओके। तो साइन अप हमने ऑलरेडी कर रखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप साइन अप पर क्लिक कीजिए, साइन अप इट्स फ्री। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस देने के बाद साइन अप पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके ईमेल आईडी पर एक मेल आ जाएगा, वहाँ पर जाकर आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और इसे वेरीफाई कर देना है और अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, जैसा कि मैंने मोबाइल पर बताया था। सेम सब कुछ आपको वैसे ही करना है, और हमने ऑलरेडी अपने ईमेल आईडी से यहाँ पर साइन अप कर लिया है। मोबाइल पर जो हमने साइन अप किया था वही ईमेल आईडी और वही पासवर्ड यहाँ पर भी हम यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप इस तरह से ईमेल आईडी के थ्रू साइन अप नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां से भी साइन इन कर सकते हैं अपने गूगल के थ्रू और फेसबुक के थ्रू भी। गूगल अकाउंट और फेसबुक अकाउंट से भी आप डायरेक्टली यहां पर साइन इन कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहां पर साइन अप कर रखा है। तो अब हम सीधा साइन इन पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप ऑप्शन देख सकते हो साइन इन का, साइन इन यहां पर आप क्लिक कीजिए, और यहां पर मैंने अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी यहां पर दे रखा है, जो अभी हमने मोबाइल पर बनाया था वो हमने यहां दे दिया। उसके बाद साइन इन पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही हमने यहाँ पर साइन इन किया, इस तरह से आपको जूम का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर आ रहा है अपकमिंग मीटिंग्स, कोई भी मीटिंग अभी हमने शेड्यूल नहीं की है, और प्रीवियस मीटिंग, पर्सनल मीटिंग रूम, मीटिंग टेम्पलेट्स, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इस साइड आप देख सकते हो, यहाँ से आप प्रोफाइल चेक कर सकते हो अपना, यहाँ से मीटिंग्स चेक कर सकते हो, ये वेबिनार्स है, ये रिकॉर्डिंग है, यहाँ पर सेटिंग है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ दे रखी है। सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो, जो सेटिंग्स दी गई हैं यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल में मैंने बताया था वही सारी सेटिंग्स यहाँ पर भी हैं। आपको मीटिंग अगर शेड्यूल करनी है तो यहाँ पर होस्ट, वीडियो, ये सारी डिटेल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जैसे आप मोबाइल पर करते हो वैसे ही यहाँ पर भी आप सेट कर सकते हो, ऑडियो टाइप, टेलीफोन एंड कंप्यूटर, और ये ज्वाइन बिफोर होस्ट, ये सारा कुछ मैं मोबाइल पर आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह से आप पीसी पर भी इन्हीं ऑप्शंस को सेट कर सकते हैं। सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो, वही सारी सेटिंग्स यहाँ पर भी दी गई हैं। अब हम यहाँ से चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हो, ये तो हमारा माय अकाउंट आ गया और ये आ गया ज्वाइन अ मीटिंग, ठीक है। अगर आपको मीटिंग ज्वाइन करनी है तो यहाँ क्लिक करना है, जैसे मैंने मोबाइल पर आपको बताया था। और यहाँ देख रहे हो होस्ट मीटिंग, तो यहाँ है विद वीडियो ऑन, ठीक है। तो विद वीडियो ऑन हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है अ डाउनलोड शुड स्टार्ट। तो इसका जो जूम का एक डैशबोर्ड है वो यहाँ पर डाउनलोड होने लगेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, इसकी जो एक्सी फाइल है वो यहाँ डाउनलोड हो चुकी है। आपको यहाँ क्लिक करना है और इसे ओपन करना है। तो आप देख सकते हो ये हो गया कनेक्ट।
और यहाँ आ रहा है ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो। आपको अगर कंप्यूटर ऑडियो से कनेक्ट करना है तो कंप्यूटर की ऑडियो के साथ यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और आपको अगर स्पीकर या माइक्रोफोन अपना टेस्ट करना है तो यहाँ से टेस्ट स्पीकर एंड माइक्रोफोन पर क्लिक करेंगे तो आप चेक कर सकते हो कि आपका माइक्रोफोन और स्पीकर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हो मेरा जो वेबकैम था उसके थ्रू वेबकैम इसका ऑन हो गया, हमारा वेबकैम ऑन हो गया है। जैसे मोबाइल में ऑन हुआ था वैसे ही यहाँ पर अब ये वेबकैम है कंप्यूटर पर वो ऑन हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर सेम ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे अगर आप अपनी वॉइस को म्यूट करना चाहते हैं यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये म्यूट हो जाएगा। उसके बाद वीडियो आ रहा है स्टॉप वीडियो, अगर आप अपने वीडियो को स्टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर दीजिए तो आपका वीडियो स्टॉप हो जाएगा। जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर थी वो सब लोगों को दिखाई देगी, जो मीटिंग में कॉन्फ्रेंस में जो लोग हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्हें आपका सिर्फ ये लोगो दिखाई देगा जो आपने प्रोफाइल इमेज लगा रखी है। तो स्टार्ट वीडियो पर जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर से आपका वेबकैम ऑन हो जाएगा इस तरह से, जैसे अभी हो रखा है ये ऑन हो गया। मैं फ़िलहाल इसे बंद कर देता हूँ। और भी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, जैसे आपका जो वेबकैम है मेरा वेबकैम लॉजिटेक HD वेबकैम आ रहा है यहाँ, और वीडियो सेटिंग्स का ऑप्शन भी यहाँ आपको मिल जाएगा। आपको जो भी वीडियो सेटिंग्स करनी है कैमरे की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो, और चूज़ वर्चुअल बैकग्राउंड, वर्चुअल बैकग्राउंड भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, अपने वीडियो के बैकग्राउंड भी आप लगा सकते हैं। अगर आप ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप वहाँ पर वर्चुअल बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, तो उसकी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है। और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है इनवाइट, ठीक है। आप इनवाइट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ आ रहा है चूज़ योर ईमेल सर्विस टू सेंड इनविटेशन। आप जिसको भी आपको अगर भेजना है इनविटेशन भेजना है तो आप यहाँ से ईमेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर जो URL है इसे कॉपी करके आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि वो आपकी मीटिंग को अटेंड करें। यहाँ से मैं मान लो ये कर देता हूँ कॉपी इनविटेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये लिंक आप किसी को भेज सकते हो और वो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। और यहाँ आप देख रहे हो मैनेज पार्टिसिपेट, अगर इसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर और कोई भी नहीं है, मैं ही हूँ तो केवल मैं दिखाई दे रहा हूँ। और जब पार्टिसिपेंट यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे तो वो लोग यहाँ पर दिख जाएंगे और उन्हें आप यहाँ से मैनेज भी कर सकते हो। उनके माइक्रोफोन को अगर आपको म्यूट करना है यहाँ से कर सकते हो उनके माइक्रोफोन को, और उनके वीडियो को अगर आप बंद करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ से आप अगर म्यूट ऑल करना चाहते हो तो म्यूट ऑल कर सकते हो, अनम्यूट ऑल कर सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं इन्हें भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, म्यूट पार्टिसिपेंट ऑन एंट्री, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। और दूसरा ऑप्शन यहाँ आ रहा है वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट ए टाइम, यानी मतलब एक पार्टिसिपेंट ही एक बार में शेयर कर सकता है। दूसरा ऑप्शन आ रहा है मल्टीपल पार्टिसिपेंट कैन शेयर सिमल्टेनियसली, यानी बहुत सारे पार्टिसिपेंट अपने अपने डॉक्यूमेंट या वीडियोस वगैरह जो भी है वो यहाँ शेयर कर सकते हैं एक साथ। और यहाँ आ रहा है एडवांस शेयरिंग ऑप्शन, एडवांस शेयरिंग ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आ रहा है हाउ मैनी पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट द टाइम, वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। आ रहा है हु कैन शेयर, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो ओनली होस्ट, यानी केवल आप ही कर सकते हो शेयर, या फिर सारे पार्टिसिपेंट शेयर कर सकते हैं, वो सब आप यहाँ डाल सकते हो। हु कैन स्टार्ट शेयरिंग व्हेन समवन एल्स इज शेयरिंग, तो यहाँ दे सकते हो ओनली होस्ट और ऑल पार्टिसिपेंट, ये सारे आप यहाँ सेटिंग कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ ऑप्शन आ रहा है चैट का, तो आप यहाँ पर चैट भी कर सकते हो, जूम ग्रुप चैट, ग्रुप चैट आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप सबके लिए मैसेज करना चाहते हो तो एवरीवन क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पर जो भी मीटिंग के अंदर हैं सबको आप कर सकते हो। और इसके अलावा जो पार्टिसिपेंट यहाँ पर आ जाएंगे उसके बाद पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को भी आप मैसेज कर सकते हो, यानी अलग अलग भी मैसेज कर सकते हो। और ये ऑप्शन आ रहा है रिकॉर्ड का, अगर आप रिकॉर्ड पर क्लिक कर दोगे तो आपकी जो भी मीटिंग हुई है पूरी मीटिंग यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी। मैं यहाँ रिकॉर्ड पर क्लिक कर देता हूँ, जब आप रिकॉर्ड पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ गया, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग हमारे PC में सेव हो जाएगी, बाद में भी आप पूरी रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। तो यहाँ आप रिएक्शन पर जब क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन यहाँ आपको दिख रहे हैं, एक दिख रहा है क्लैप और दूसरा दिख रहा है थम्स अप, तो ये भी आप कर सकते हो। जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो थम्स अप यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से
जूम ऐप को यूज कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदार, या आप कोई टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन ई क्लासेस भी इस तरह से दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप अपने व्यूअर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो बहुत ही बढ़िया ऐप है ये। इससे आप कनेक्ट हो सकते हैं और उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको शेयर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है ये और इसे आप बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। फ्री वाले वर्जन में थोड़ी सी बॉन्डेशंस हैं, बॉन्डेशंस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप मैक्सिमम 100 पर्सन्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यानी 100 पार्टिसिपेंट एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी गई है, एक तो 100 पार्टिसिपेंट और दूसरा आप जब लाइव कर रहे हैं तो 40 मिनट्स तक ही लाइव कर सकते हैं एक बार में। लेकिन 40 मिनट भी बहुत होते हैं बात करने के लिए, अगर उससे ज़्यादा अगर हमें बात करनी है तो हम दोबारा से मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। एक मीटिंग को बंद करने के बाद दोबारा से जब हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे दोबारा से पार्टिसिपेंट उसको ज्वाइन कर सकते हैं और फिर हमें 40 मिनट और मिल जाते हैं पूरी तरह से फ्री, आप इस तरह से बात कर सकते हो। अगर आपको इससे ज़्यादा अनलिमिटेड टाइम चाहिए या फिर आप चाहते हो और बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट को ऐड करना, यानी लगभग 1000 पार्टिसिपेंट को भी आप ऐड कर सकते हो, तो उसके लिए आपको इसका प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। और प्रो वर्जन आप देख रहे हो, इसके चार्जेज यहाँ देख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रो वर्जन की हमें कोई ज़रूरत है, पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फ्री में इसे यूज कर सकते हैं और मज़े ले सकते हैं। इस समय आप घरों के अंदर हैं तो घरों के अंदर ही रहिए और कोरोना वायरस से जो युद्ध चल रहा है, जो महामारी से एक युद्ध चल रहा है, उसमें आप अपना पूरा सहयोग दीजिए और जूम के थ्रू अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों के साथ पूरी तरह से कनेक्ट रहिए, वो भी बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।